दोस्तों महादेव, कैसे हैं आप? मैं बाला प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों के बाद मैं वाराणसी भदोही 4 लेन पे लेकर के चल रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि कितना कार्य हुआ है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं पूरा आपको दिखाऊंगा और वीडियो को स्किप मत करिए। और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पूरा वाराणसी फेज 2 रिंग रोड से लेकर के कैंट तक हमने बनाया है। इसको 2 पार्ट में बनाया और कितना कार्य हो रहा है, किस युद्ध स्तर से हो रहा है, वो पूरा हम बताएंगे। और दोस्तों, आपको और एक न्यूज़ बता दें कि जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो रिंग रोड से भदोही तक जो रोड बनना है उस पर भी कार्य शुरू हो गया है, उस पर भी लाल स्याही लगना शुरू हो गया है। तो हमारे YouTube चैनल को जो नए श्रोता है, दर्शक हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि रोड कितना अच्छा बन रहा है, आलीशान रोड बन रहा है दोनों तरफ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे समतलीकरण का कार्य बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी इंटरनेशनल जो स्टेडियम है उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी जल्दी प्रोजेक्ट पे कार्य शुरू हो जाएगा। तो जितना कार्य आपको हो रहा है देख रहे होंगे, ये जो मशीन है, ये मशीन समतल करने का काम पूरा ये सुबह से ही ये लग जाते हैं। और आपको अगर चाहिए तो हम इनसे बात भी कराएंगे। देखिए, इंजीनियर पूरा लगे हुए हैं। और पेड़ों की जो कटाई है वो दोस्तों आपको बता दें, पिछले जो वीडियो में आपने देखा था तो उसमें एक ही तरफ किया गया था और इसमें पेड़ों की कटाई एक तरफ का लगभग पूरा हो चुका है और दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई शुरू हो रही है। और एक तरफ से पेड़ों की कटाई होती चली जा रही है और दूसरी तरफ मिट्टी डालने का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एक बार ज़रूर कर दें, जिससे हम आपके बीच नए नए वीडियो लाते रहें। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम ऐसे ही वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगता है आप लोग को। तो वीडियो को हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, अभी देख रहे होंगे दूसरी तरफ पेड़ अभी नहीं कटे हुए हैं, लेकिन इसको बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है। और हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो रोड होगा ये वाराणसी का और इंटरनेशनल स्टेडियम होने के कारण इस रोड को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। इसमें वो हर एक बात का ध्यान रखा जाएगा जिससे ये सुंदरीकरण हो और इंटरनेशनल स्टेडियम होने के कारण भी इस रोड का महत्व बढ़ जाता है। और दोस्तों बता दें, ये जो 4 लेन बन रहा है इधर रिंग रोड से वाराणसी की तरफ, इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, लेकिन इसके बाद जैसे ही रिंग रोड फेज 2 से भदोही तक, यानी कि वो मछली शहर तक बनेगा रोड, उसकी जो चौड़ाई है वो इससे कहीं ज़्यादा है, वो लगभग 6 लेन की तरह होगा, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा है। तो उधर भी बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है और हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि वो भी वीडियो आपके बीच लाएंगे और दिखाएंगे भी। ये देखिए, कुरौता मार्केट है और कुरौता मार्केट में पिछले आप वीडियो में आप देखेंगे हमारे, तो उसमें बहुत से पेड़ थे। यहाँ पर देखिए, ये 2 बहुत बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे, एक देख रहे होंगे खड़ा है और दूसरी तरफ ये है, इसको काटा गया है और बड़े बड़े मशीनों के द्वारा यहाँ पे इसको रात में ही काट दिया जाता है और दिन में इसको पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। तो सुबह ट्रैफिक की वजह से भी काफ़ी समस्या हो जाती है क्योंकि यह सिंगल रूट पड़ जाता है
और जाम की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। देख रहे होंगे दोस्तों, इधर मिट्टी डालने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और इधर बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके इसको समतलीकरण भी किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये मशीन लगा हुआ है, यानी कि कहीं से भी अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि कार्य जो है कि प्रगति बहुत स्लो है, यानी कि कार्य का जो प्रगति है, सड़क बनने का कार्य है, वो बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। यहीं अभी जगह जगह पेड़ काटना बाकी रह गया है और बिजली के खंभे भी जगह जगह हैं, उसको भी हटाया जा रहा है और कहीं कहीं पे भी नहीं हटाया हुआ है, उसको भी हटाने के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सिकवा बाबा के बगल में यहाँ पे रोड एक तरफ बन चुका है, दूसरी तरफ बाकी है। यहाँ पे भी कार्य शुरू हो चुका है और ये देखिए दोनों तरफ, यानी कि जगह जगह पे पेड़ काटने का काम लगभग पूरा हो चुका है और हम ये कह सकते हैं कि 40% पेड़ काटना बाकी है और 60% से ज़्यादा पेड़ कट चुके हैं और कार्य भी बहुत तेज़ी से वाराणसी से कलेक्टिव फार्म के बीच कार्य किया जा रहा है। वहाँ पे कलेक्टिव फार्म में आप अगले वीडियो में देखेंगे बाउंड्री को भी पीछे किया जा रहा है।